सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। बात बोलेगी कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम फिर से उसी महात्मा की चर्चा करेंगे जिनकी आज धूम है 150वीं जयंती के चलते। महात्मा ने अलग अलग किस्म की लड़ाई पूरे जीवन लड़ी और उसको सत्य के साथ प्रयोग का नाम दिया। उस प्रयोग का एक बड़ा हिस्सा हम देखते हैं कि महात्मा ने अपने जीवन में 4 आश्रम बनाए, 2 दक्षिण अफ्रीका में और 2 हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का पहला आश्रम जब उन्होंने साबरमती में बनाया तो उस समय चारों ओर से उसमें रहने के लिए लोगों को आमंत्रित किया कि जो आना चाहे, आश्रम की शर्त जो माने वो आके यहाँ रहे और फिर आश्रम का काम करे, हम सब लोग साथ जिएंगे। शुरू में तो आश्रम बड़े धूमधड़ाके से बना और काफ़ी साधन आए और आश्रम बढ़िया बना, लेकिन उसमें जब पहली बार एक दलित परिवार आया, ठक्कर बापा जो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे उनकी सिफारिश पे उनकी चिट्ठी लेके डूडा जी एक शिक्षक थे वो आए, उनके साथ ही उनकी पत्नी दानी और बेटी लक्ष्मी, ये तीनों जब पहुंच गए आश्रम तो गांधी ने उनको बड़े खुले मन से आश्रम में रखा। लेकिन जैसे ही एक दलित परिवार आके आश्रम में रहा, आश्रम के बाकी जातियों के लोगों को वो अखरने लगा और तरह तरह से डूडा जी को परेशान किया जाने लगा। ख़ास तौर से कुएं से पानी भरने को लेके परेशानी शुरू हुई और जब बात ज़्यादा बढ़ी तो गांधी तक पहुँची। डूडा जी भी शुरू में ये शिकायत नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उनको लगा कि आश्रम में रहना मुश्किल होगा इससे और गांधी के विचारों के हिसाब से ये उल्टा हो रहा है, तो उन्होंने गांधी से शिकायत की। फिर गांधी ने उस सवाल पे काफ़ी सख्त नज़रिया अपनाया आश्रम के सारे लोगों के साथ, लेकिन आश्रम के लोगों से भी ज़्यादा उनको अपने परिवार में इसकी खासी मुश्किल हुई। और परिवार में बा भी विरोध करने वालों में थी, लेकिन बा से ज़्यादा विरोध वहाँ हुआ गांधी की बड़ी बहन का, उसी बड़ी बहन का जिसके यहाँ गांधी रह के पढ़े थे और जिसने उनको इंग्लैंड भेजने में काफ़ी मदद की थी। तब वो विधवा हो चुकी थी और अपने बेटे के साथ आश्रम में रहती थी। गांधी ने उनको आश्रम में रखा था इसीलिए कि आश्रम का काम करो और उसके बाद यहाँ रहो, हमारे कामकाज को देखो और फिर तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी, रहने खाने पीने की का सारा इंतजाम यहाँ है, आश्रम एक परिवार की तरह है, तो वो साथ रहती थी। तो बा और बहन दोनों ने विरोध किया कि दलित को यहाँ रखने से ये सब पानी गंदा होगा और बाकी चीज़ों में। गांधी ने कहा कि इस पे मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता और जिसको आश्रम से जाना है वो जाए, और अगर सारे लोगों को ये लगता है कि ऐसा गड़बड़ चलेगा तो मैं खुद आश्रम को ख़त्म कर दूंगा, मैं जाके किसी दलित बस्ती में रहूंगा, मजदूरी करके अपना जीवन चलाऊंगा, कोई आश्रम चलाना हमारे लिए नियम नहीं है, तो मैं इस सवाल पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। बा भी थोड़े नाराज़गी के बाद वापस आ गई, लेकिन गांधी की बड़ी बहन तो पूरे जीवन नहीं आई फिर उसके बाद गांधी के पास, तो गांधी ने इतनी बड़ी परीक्षा वहाँ दी। बा फिर धीरे धीरे बदली, और बदली ही नहीं, लक्ष्मी को लगभग बेटी की तरह, डूडा जी की बेटी जो छोटी थी वो बा के लिए बेटी जैसी हो गई और उनके साथ रहना और खेलना खाना सब उनके साथ करने लगी। तो गांधी जब इस सवाल पर लड़ रहे थे और अंदर और बाहर ये सारी चर्चा चल रही थी, अचानक गांधी को लगा कि जो आश्रम को चंदा आता था वो कम होने लगा। आश्रम के जो मैनेजर थे मगन लाल, उन्होंने कहा कि बापू अब हमारे गुल्लक में 1 महीने का भी पैसा नहीं रह गया है, अगर अब चंदा नहीं आया तो आश्रम को बंद करना पड़ेगा, राशन की भी दिक्कत शुरू हो जाएगी। गांधी ने कहा बंद करना पड़ेगा तो कर दूंगा, लेकिन मैं इस सवाल पर कोई कंप्रोमाइज़ करने वाला नहीं हूँ। अभी जब ये मुश्किल दौर चल ही रहा था तभी अचानक एक दिन सुबह सुबह कोई सज्जन पधारे और उन्होंने गांधी जी को बुलाया और चुपचाप ही बुलाया और पूछा कि आपको आश्रम चलाने में कितना खर्चे की ज़रूरत पड़ती है। तो गांधी को वो फिगर मालूम था, उन्होंने कहा कि करीब 4,000 या उससे थोड़ा ऊपर पैसा लगता है हर महीने हमारे आश्रम के खर्चे में। तो उस सज्जन ने चुपचाप 13,000 रुपये निकाल के गांधी के हाथ में रख दिए और कहा कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए कहीं, क्योंकि मुझे फिर उससे दिक्कत होगी, आपका आश्रम बंद नहीं होना चाहिए, 3 महीने पहले ये चले, उसके बाद दिक्कत होगी तो मैं फिर आऊँगा, मैं पता करता रहूँगा, या आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे संदेश देंगे, मैं आ जाऊँगा, और आश्रम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
तो गांधी ने तुरंत वो पैसा ले आके मगनलाल के हाथ में सौंपा और कहा ये रखो, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। और ईश्वर का आशीर्वाद इसलिए है कि हम एक बड़ी लड़ाई में अड़े रहे, सच्चाई पर अड़े रहे और अपनी बातों पर अड़े रहे। तो गांधी के लिए दलित का सवाल उसी समय से शुरू हुआ था और वो उसको उन्होंने बड़ी खूबसूरती से निभाया। पूरे आंदोलन को देखें या गांधी के अपने जीवन को देखें तो आपको लगेगा कि दलितों का सवाल उनके लिए शुरू से हिंदुस्तान, इवन ये लड़ाई दक्षिण अफ्रीका में भी थी क्योंकि वहाँ हिंदुस्तानी थे तो छुआछूत था, लेकिन भारत आने के साथ ही वो इसी सवाल पे काफ़ी सक्रिय रहे। बाद का हरिजन सेवक संघ बनाना और मंदिर आंदोलन, वो किसी दिन उस प्रकार प्रसंग की चर्चा होगी, लेकिन ये बताना जरूरी है कि जब वो भारत आए थे और हिंदुस्तान घूम रहे थे उसी समय उन्होंने खास तौर से पंचम वर्ण, दक्षिण में पंचम वर्ण बोलते थे क्योंकि वर्ण व्यवस्था में चार के बाद वो उससे बाहर थे, डिप्रेस्ड क्लास थे, अछूत थे, वो बहिष्कृत, बल्कि अम्बेडकर उसके लिए बहिष्कृत समाज ही कहते थे कि वो समाज से बहिष्कृत हैं। तो उस सवाल पे गांधी तब से सक्रिय थे, उन सब बस्तियों में गए और जब अपने परीक्षा की बात आई तो उन्होंने इस तरह से परीक्षा अपने आचरण से, अपने परिवार के आचरण से, और उस बहन को भी छोड़ने में उनको कोई दिक्कत नहीं हुई जो उनसे बड़ी थी, विधवा थी, जो कायदे से कमज़ोर थी और उनको मदद की थी पढ़ाई के समय और विदेश जाने के समय, उस बड़ी बहन ने मदद की थी। उनके विधवा अवस्था में भी अगर वो उस सवाल पे निकली तो गांधी ने इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। आज की कहानी इतनी ही, अगली बार फिर। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।